अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 2011 में 3 मार्क्स का हुआ है वो। अरे सर कितना डरावने डरावने क्वेश्चन करवा रहे हो सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं जहाँ बिल्कुल आते हैं बेटा, चेक कर लो, गूगल कर लेना या प्रीवियस ईयर 20 साल की सीट देख लेना, उसमें दिखा हुआ है। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन को देख के आप वैसे ही डर गए, बताते बच्चे तो वैसे ही परेशान हो गए। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम में ऐसे ही करना, कभी गलती नहीं होगी। जब भी इस तरह का लेंथी क्वेश्चन हो तो इसको ये लिख लो, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए ए मान लो, ठीक है। ध्यान से देखना जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना, इस पूरे को बी मान लो। अभी बता रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, इस पूरे को सी मान लो, इस पूरे को सी, ठीक है। ध्यान से देखना जैसे जैसे मैंने किया है, और ये हमारा एज इट इज डी रहा, इस पूरे को मैंने डी मान लिया। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। ए कितना है मेरा, ए इज इक्वल टू सेक 41 और साइन 49, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, या ये भी लिख लो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं sec को बदलूंगा तो sec का cosec होता है, और cosec 1/sin होता है, तो sin से sin कट जाएगा, या sin को बदलूंगा तो sin का क्या होता है cos होता है, और cos क्या होता है 1/sec होता है, तो फिर cos से cos कट जाएगा, तो मतलब किसी एक को बदल दो। तो सिंपल सा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं sec को लिख लेता हूं, sec 90 माइनस, अब देखो 90 में से क्या माइनस करूं कि याद है, ठीक है। तो 90 में से अगर मैं 49 माइनस कर दूं तभी तो भाई 41 आएगा, और यहां पे क्या है ये साइन 49, तो ये देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये हमारा sec, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, वो लिखा मैंने क्या होता है cos थीटा, ये थीटा की जगह 49 है, तो ये क्या हो जाएगा cosec 49, और यहां पे कितना है साइन 49, कोई दिक्कत यहां तक। अब हमें पता है कि भाई यहां से कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा के होता है, या cosec थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के होता है, ठीक है। तो यहां पे cosec को मैं 1/sin 49 लिख सकता हूं, और यहां पे ऑलरेडी sin 49 है ही, तो इस 49 से ये 49 कट गया, क्या बच गया 1, मतलब इस पूरे की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब समझ में आया मैंने क्यों किया, कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, देखो a कितना आ गया, ध्यान से देखना, थोड़ा समझा रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ऐसे टाइम नहीं लगेगा, a इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब b को सॉल्व करो, देखो b कितना है, b सेम वही क्या लिखा हुआ है cosec 61, और कितना लिखा हुआ है cos 29, आपको मैं समझा रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, मगर अगर मैं अपने से करूं तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, बस समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एक ही स्टेप बता रहा हूं। अब सेम वही देखो, cosec क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, और हमें पता है कि sec थीटा क्या होता है भाई, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब मुझे इसको sec में बदलना होगा, और जो sec आएगा उसको अपॉन में करना होगा, तो क्या हो जाएगा देखो, तो cosec ऐसे ही लिखा 90 माइनस, अब 61 90 में से क्या माइनस करूं कि 61 आ जाए, तो 29 माइनस कर देता हूं, और यहां पे कितना जाएगा cos 29, तो यहां देखो ध्यान से ये कितना हो जाएगा, वहां देखो sec थीटा मतलब sec 29 इंटू कोस 29, अब देखो कोस sec 29 को क्या लिख सकता हूं 1/cos 29, ठीक है, और यहां से भी ये कितना है cos 29, तो ये दोनों कट गए, तो यहां से भी b दूसरा क्या आ गया मेरा, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो c को, देखो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, छोड़ के इनको 3 मार्क्स आपके घटेंगे, कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया सीख जाओ ज्यादा तेजी से, अभी ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये कितना है 2/√3, और यहां से कितना आ जाएगा देखो 10 20 10 60 और 10 70, ठीक है। अब देखो 2/3 तो ऐसे ही आ, 10 क्या होता है देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और cos थीटा को अगेन में क्या लिखता हूं cos थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, 10 थीटा, मतलब इसको मैं चेंज कर दूं
तो इस 10 को 10 को मैं ये लिखता हूँ 90 माइनस 70, आ गया। अब हमें पता ही भाई, मुझे 60 की तो वैल्यू पता है, 70 और 20 नहीं पता, तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। तो ये ऐसे ही रहा, देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो लिखा है कोट थीटा, यानी कोट 70 कितना हो जाएगा, कोट 70 डिग्री। और 10 60 पता ही है मेरे को कितना होता है, रूट 3, और 10 70 ये रहा। अब देखो कोट 70 को, अगेन मैं कोट 70 को ये लिख सकता हूं 1/10 70 इंटू, और ये कितना होता है रूट 3 ऐसे ही रहा, और ये 10 70 ऐसे ही रहा। तो देखो इससे ये कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां देखो सी की वैल्यू अल्टीमेट कितनी आ गई, 2। तो सी कितना आ गया मेरे पास, यहां पे लिख लिया मैंने 2, ठीक है। अब क्या बच गया, एक बच गया मेरे पास डी। अब डी को सोल्व करते हैं जल्दी से, देखो यार अब डी को सोल्व करते हैं जल्दी से तेजी से, 3 ये रहा है ना, और कितना है डी इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59। अब देखो इसमें मुझे पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई साइन स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। मतलब मुझे इस स्क्वायर को बदल लूंगा तो इसकी वैल्यू दोनों की कितनी आ जाएगी, बस। तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर। अब देखो 31 को मैं 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ भाई, तभी तो 90 में से 59 गए, तभी तो 31 आएगा ये वाला। अब देखो और यहाँ पे कितना है प्लस साइन स्क्वायर 59। अब यहां से देखो उससे देखो 3 है ना, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, स्क्वायर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर में भी हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 59। अब ये तो पता ही है एज स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 × 1, तो डी कितना आ गया मेरे पास, डी आ गया मेरे पास 3। यहाँ पे लिख लेता हूँ डी इज इक्वल टू 3, आई बात समझ में। अब देखो मैंने इतना क्यों किया, ध्यान से देखो, अब ये सारी वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन में जो मैंने मानी थी, ठीक है भाई। देखो इसको मैंने ए माना था, ए की जगह कितना आया 1 प्लस कोसेक को बी माना था, इस पूरे को बी की जगह कितना आया 1 माइनस 2/√3 और सी इस पूरे को सी माना था, तो सी की वैल्यू कितनी आई थी 2 अपॉन में कितना आया था डी इज इक्वल टू 3, तो मतलब ये आ गया 3। तो इसको सोल्व कर लो 1 + 1 2 - 2/3 मतलब 0/3, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 0 आंसर आएगा इसका, आई बात समझ में। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपको एक एक स्टेप समझाना था इसलिए इतना टाइम लग गया, एक दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बहुत इजी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो इस तरीके से मैंने ये ABCD मान के बताया ऐसे ही करोगे ये बेस्ट तरीका है, इससे कभी गलती नहीं होगी। बाकी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे या कुछ और करोगे तो उससे गलती होने के चांस है, लेकिन ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी, मेरे को जो बेस्ट लगा मैंने वो समझा दिया, आपको जो अच्छे से लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो, अल्टीमेट आपको समझ में आना चाहिए, आई बात समझ में। तो नोट डाउन करो, अगला करते हैं।